के साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मसूरी नगर पालिका परिषद सभागार में विभागों की समीक्षा बैठक में आधी अधूरी तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में पूरी सुविधाएं मौजूद हो, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने डॉक्टर से सलाह मशवरा किया, साथ ही प्राथमिकता के आधार पर मसूरी में वैक्सीनेशन कराने की बात कही। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उन्होंने मसूरी में शौचालय के निर्माण कार्यों को लेकर वार्ता की और कहा कि मसूरी में अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण किया जाए। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए मॉनिटरिंग करता रहता हूं, क्योंकि अब बरसात भी आ रही है। आज मैंने सारे हेल्थ से लेकर बिजली, पानी, सड़क, NHPD और सारे अधिकारी यहाँ पर बुलाया था। हर विषय पर चर्चा हुई है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी में पानी लाने का है, 144 करोड़ की योजना जो मैं केंद्र से लेकर आया था, उसकी प्रगति की जानकारी हमने ली। उस पर काम चल रहा है। मसूरी की 50 किलोमीटर जो पेयजल लाइनें पुरानी जंग खा गई हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। और इस योजना के बनने के बाद आने वाले 50 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार हमने CM और CMS से बात की है कि हॉस्पिटल अपने आप में एक यूनिक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है और उसके लिए कहीं साधनों की कमी है, तो उसको हम पूरा करेंगे। अभी 46 लाख रुपये हमने UNGC से लिया है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं, डायलिसिस यूनिट वहाँ पर लगी है एक, और बच्चों के लिए भी अभी 5 जो बच्चों के वेंटिलेटर हैं वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, 5 वेंटिलेटर पहले हैं। और रोडों का हमारा चौड़ीकरण जो है हो गया है, वॉल्वो बस मसूरी आ सकती है। तो सारे विषय पर आज चर्चा हुई और कुछ अधिकारी बिना जानकारी के यहाँ पर आए थे। मैंने उन्हें निश्चित किया कि अगली बार बैठक में आए तो पूरी जानकारी के साथ आएँ, जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं। और मेरा ये कोशिश है कि शीघ्र ही एक बड़ी पार्किंग हम जोर पॉइंट, जिसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, और कोरोना नहीं होता तो शायद अब तक उनको शुरू कर पाते, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। शीघ्र ही ये टाउन और भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और एक जो झंडा हम लगा रहे हैं वो भी जल्दी समर्पित कर दिया जाएगा। इन सारे विषयों जहाँ पर चर्चा होगी। उपनल के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय में 12 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, एक महीने बाद उनको वहाँ से बिना सैलरी के निकाल दिया गया। इतना समय गुजर जाने के बाद भी अब तक उनकी सैलरी उतर नहीं। हाँ, उनकी सैलरी निकल रही है। मेरे पास भी ये लोग बच्चे आए थे वहाँ पर, जहाँ तक सैलरी की बात है उनकी सैलरी की व्यवस्था हो रही है, सैलरी निकल गई है और शीघ्र इनको मिल जाएगी। बेहतर होता कि थोड़ी देर पहले ही बच्चे यहाँ पर थे तो हाथों हाथ उसका समाधान हो गया होता। नहीं, और दूसरा